टिंग माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल टूडेट इंपॉर्टेंट रैपिड जी के आंसर हैं थर्टी एट पैरल बॉर्डर लाइन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच इटर्नल सिटी बोला जाता है रोम को थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट लोकेटेड है फ्रांस में और ये लोकल विंड है फोहन जिसके कारण सेंट्रल यूरोप में वार्मर क्लाइमेट होता है एक्चुअली जो हमने माउंटेन पढ़े थे ना तो विंड ऐसे ऊपर जाती है जब विंड ऐसे नीचे आती है लीवर्ड साइड पे तो ये गर्म हो जाती है और फोहन ऐसे ट्रेवल कर रही है तो इसके कारण सेंट्रल जो यूरोप है वो गर्म हो जाता है वॉट इज द इंक्लूसिव सॉसर शेप्ड लेंस शेप्ड बॉडी द नेम इज लैपोलिथ लैपोलिथ सी ये एक सॉसर शेप्ड बॉडी है दिस इज लैपोलिथ एंड प्रोसेस वेयर द रिवर एबैंड इट्स ओल्ड रिवर चैनल उसको बोलते हैं एवोल एवोल जैसे पहले एक रिवर ऐसी जा रही थी वो पुराने चैनल को छोड़ दिया और एक नए डायरेक्शन में मूव हो गई दैट इज कॉल्ड एवोल आज के सवाल है आज के सवाल है वॉट इज द माउंटेन राइजिंग फ्रॉम द ओशियन सी फ्लोर ज नॉट रीच टू दॉटर सरफेस कॉल्ड समुद्र का माउंटेन है बट वो समुद्र के सरफेस तक नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं इन विच लेयर ऑफ द अर्थ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड अदर सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ पे ये ब्लैंकेट है एटमोसफियर का किस लेयर पे आई एस एस और दिस सेटेलाइट मिलते हैं एट विच लैटिट्यूड डू डोलड्रम लाइज लैटिट्यूड क्या होते हैं दीज आर लैटीट्यूड तो किस लैटिट्यूड पे डोलड्रम होते हैं

प्रैगमेटिक होना ज़रूरी है स्टडीज में रियलिस्टिक लॉजिकल प्रैक्टिकल रीजनेबल कलमिनेट होना जैसे स्वतंत्रता संग्राम का जो हमारा दौर था वो फिर 1947 कल्मिनेटेड इनटू कलमिनेटेड फ्रीडम रीच अ क्लाइमैक्स इनोक्वस मतलब होता है इनोसेंट है सेफ है नाइव है गिल्टलेस है ईयर मार्क करना मतलब चिन्हित करना कि ये पैसा यहाँ खर्च होगा

फ्यूचर डील्स और रिलायंस देन दिस इज चाइल्ड हैज राइट टू यूज मदर्स सरनेम खेल रत्न अवार्ड होगा मेजर ध्यानचंद के नाम से तो आज हम जानेंगे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में और एक स्पोर्ट्स पे सवाल भी तैयार करेंगे दिस इज रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन दिस इज इट्स हॉकी इंडिया स्कूल चिल्ड्रन नीड देयर चाइल्ड हुड बैक हमने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है वो वापस लौटाना जरूरी है साउथ एशिया इज इमर्जिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल इंडिया इंडिया एंड ईरान ये इसराइल गए हमारे चीफ अभी देन दिस इज अबनिंद्र नाथ टैगोर स्वदेशी थीम भारत माता पेंटिंग इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव कोलेबोरेट करेंगे सिक्योरिटी पे आर की अभी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट रिपोर्ट आई है हम जानेंगे इसके फाइन डिटेल्स क्या है इन्फ्लेशन और दिस डोविश या हॉकिश पॉलिसी मंडे को आ रही है दिस आईपीसीसी की नेक्स्ट रिपोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है हिंदी में हम ई e रूपी के बारे में जानते हैं सी सेट सोल्यूशन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नेक्स्ट अबाउट टू मिनट मटीरियल रेफरेंस मटेरियल रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दी एडिशन सी ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फर्स्ट न्यूज है पोस्ट टॉक्स इंडिया चाइना पुल बैक ट्रूप फ्रॉम गोगरा डीएसेशन की बात है ये पूरा एरिया है यहाँ का सी ये जितने भी नाम है ना ये नाम याद रखने दौलत बेग ओल्डी है ये गलवान वैली है मैच द फॉलोविंग में अगर आए तो दिस इज हॉट स्प्रिंग्स ये गोगरा पोस्ट है ये पेंगोंग सो लेक है लेह नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक सो so, दिस एंटायर रीजन पे अभी कंफ्रंटेशन हो रहा था और डीएसकेलेन की बात है

अब ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेट बाय पाकिस्तान है देन ये जो एरिया दिख रहा है इसको सीड कर दिया पाकिस्तान ने चाइना को तो जो सी पैक निकलता है ना वो इस एरिया से निकलता है और ये हमारा एरिया है सो दैट इज़ वाई जो सी पैक है ये कंप्लीटली रॉन्ग है इसको हम रिकोगनाइज़ नहीं करते हैं बिकॉज दिस इज़ अवर एरिया दिस एंटायर जम्मू एंड कश्मीर इज अवर्स ये जो एरिया है ये चाइना ने क्लेम कर रखा है यहाँ पर भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स है तो अभी जो टेंशन हुए ना वो इस एरिया में हुए थे दिस चाइना साइड पे देन इसके बाद ये जो पोर्शन आता है उत्तराखंड और इधर ये पीसफुल है रेस्पेक्टिवली दूसरे एरियाज के विद दिस चाइना देन ये यहां आता है सिक्किम और ये आता है अरुणाचल प्रदेश यहां पर है दिस मैक मोहन लाइन चाइना इस एरिया को भी क्लेम करता है क्लेम्ड बाय चाइना बट दिस इज अगेन अवर्स सो दिस इज द एरिया ये कुछ नाम और याद रखने हैं जैसे ये काराकोरम रेंज यहां पर है काराकोरम पास यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड का बैटलफील्ड है ये सियाचिन ग्लेशियर देन यहाँ हुआ था कारगिल कारगिल अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था यहाँ हुआ था कारगिल फिर ये जो दूसरे पॉइंट हैं काराकोरम पास है यहाँ पे फिर ये दौलत बेग ओल्डी है ये जो एरिया है ये इल्लीगली ऑक्युपाइड बाय चाइना है और ये एरिया जो है वो इीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान है तो ये दोनों एरिया हमारे हैं यहाँ वेस्टर्न हाईवे है चाइना यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और फिर इधर और इधर आके आता है कुंडलून रेंज तो जो पुराना जो था ना इंडिया का दिस इज द राइट मैपिंग दिस इज द राइट मैपिंग दिस एंटायर एरिया इज अवर्स और यहाँ पे लद्दाख रेंज है और ये रिवर इंडस बह रही है तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना ये मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है इनके अगर नाम है कि ये कहाँ पर है तो वी शुड नो द लोकेशन कि ये सारी इसकी लोकेशन है ओके फिर तिब्बत चालू हो जाता है फिर ये चुशुल है ये डेमचौक है ये सारे पॉइंट अभी न्यूज में है जहां पे कंफ्रंटेशन हुआ है चाइना के साथ तो बात यह है कि यहां पर बिकॉज टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट तो इंडिया भी इंडिया की तरफ से ज्यादा डिफिकल्ट है हम यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ताकि मॉनिटरिंग हो पाए मॉनिटरिंग हो पाए जैसे आपने कारगिल रिव्यू कमेटी का नोट प्रिपेयर किया था कारगिल रिव्यू कमेटी ने क्या कहा था कि ये जो डिफिकल्ट एरियाज है ना यहाँ विंटर्स में यूजुअली हम अपने जो पोल यहाँ पे स्टे, पोल हमारे चेक पोस्ट है उसको हम खाली कर देते थे बिकॉज वहाँ पे हैबिटेबल नहीं है इंफ्रा डेवलप नहीं है तो रियल सॉल्यूशन इज दिस कि हम यहाँ पे अपनी कैपेसिटी बढ़ाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज हो पाए यहाँ पे मॉनिटरिंग ईजी हो टेक्नोलॉजी का यूज करें और इसी का एक सॉल्यूशन है जिससे हम यहाँ पे पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो दिस इज द वे फॉरवर्ड फिलहाल के लिए डिसंगेजमेंट हो रहा है विच इज अ गुड थिंग और ये पूरा एरिया जो है अभी यहाँ पे कन्फ्रंटेशन है ऑल राइट right? अब जो सेकेंड न्यूज है दिस सेकेंड न्यूज इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट बैक्स अमेजोन प्ली अगेंस्ट फ्यूचर रिलायंस मर्जर प्लान फ्यूचर ने क्या कहा पहले एक एक्सक्लूसिव डील कर ली थी अमेजोन से कि हम आपको सप्लाईज करेंगे एटसेट्रा फिर फ्यूचर ने अपनी डील सेपरेटली कर ली रिलायंस के साथ भी तो अमेजोन ने कहा कि पहले आपने हमसे क्यों नहीं पूछा आप रिलायंस से डील कर रहे होम्पिटिटर है तो इस बात पे अमेजोन चला गया सुप्रीम कोर्ट में और ये डिसीजन अभी अमेजोन के फेवर में आया है ये जो न्यूज है ना ये हमने थर्ड ऑफ फेबर को देखा था दिस अमेजोन फ्यूचर ये जितने भी प्रीवियस नोट्स हैं लास्ट टू इयर्स के मैंने सबका एक गूगल ड्राइव बना दिया है गूगल ड्राइव में सब सिस्टमेटिकली एक एक नोट अवेलेबल है ये सारी पी डी एफ है हाई रिजोल्यूशन की सो गो गेट दैट पी डी एफ फ्रॉम दिस गूगल ड्राइव कल मैंने जितने पेंडिंग रिक्वेस्ट था सब अप्रूवल कर दिया है तो आई थिंक अब सबको एक्सेस होना चाहिए अगर नहीं है तो आप फिर से एक मेल ड्रॉप कर दो ओके फ्यूचर रिलायंस डील तो अमेजोन ने बोला कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स वॉयलेट किए हैं अमेजोन को बताया नहीं और फ्यूचर ने सेपरेटली डील कर लिया अमेजॉन के रिलायंस के साथ राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल जो था वो अमेजोन के साथ था अब सी इस बात पे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी गया अमेजोन और वहां पे 90 दिन का हॉल्ट हो गया था इस रिलायंस इन फ्यूचर डील को तो ये जो रिटेल बिजनेस है ना और इसमें ई e कॉमर्स भी आ रहा है तो ये नेक्स्ट बिग थिंग है दैट इज़ वाई ये जो दोनों हैवी वेट्स हैं अमेजोन और रिलायंस ये दोनों यहाँ पे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये न्यूज़ हमने देखी थी, थी थर्ड फरवरी फर्वर, को और सबसे पहले ये जो न्यूज क्रैक हुई थी ना वो हुई थी ट्वेंटी ट्वेंटी को जब हमारा थ्री हंड्रेड डे था लास्ट ईयर का फ्यूचर रिलायंस अमेजोन सो क्विकली गो थ्रू दीज पीडीएफ्स और इस डील के बारे में जानना है अब इसका हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे अभी हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हटा दिया तो गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है कि फॉरेन कंपनीज़ या जो बिजनेसमैन है हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा जो लॉज है मतलब रूल ऑफ लॉ होगा आर्बिट्ररीनेस नहीं होगी प्रिडिक्टेबिलिटी होगी और ये एक मैसेज ये भी है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट मेरिट बेस्ड डिसीज़न लेने में केपेबल है तो दिस इज गुड यहाँ पे जो डिसीजन आया है जो राइट चीज है वो यहाँ पे होनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को डिसीजन लिया इन फेवर ऑफ अमेजोन और उसकी जो ये चौबीस हजार करोड़ की मर्जर डील थी फ्यूचर रिटेल की और रिलायंस की इसके अगेंस्ट ये डिसीजन गया है तो ये डील अब नहीं हो पाएगी लेटेस्ट सी अब इसमें आगे क्या होता है ओके सो दिस इज फ्यूचर रिलायंस मर्जर प्लान अभी हॉल्ट हो गया है चाइल्ड हैज राइट टू यूज मदरस सर नेम हमारे यहाँ पेट्रियर की ज्यादा है फादर्स सर नेम लगता है मदर का सरनेम भी यूज हो सकता है ये बात है हाईकोर्ट में तो दिस इज दिस न्यूज अ फादर डज नॉट ओन द डॉटर ये यहाँ पे न्यूज है सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू एक न्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है खेल रत्न नेम्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद जी सी ये है मेजर ध्यानचंद जी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा अब ये सिविलियन अवार्ड है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स में खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उन्हें अवार्ड देते हैं ये सिविलियन अवार्ड है और ये हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है इन in इंडिया सबसे बड़ा पुरस्कार है स्पोर्ट्स कैटेगरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है पच्चीस लाख रुपए मिलते हैं पहला अवार्ड हुआ था नाइनटीन नाइनटी में और ये अवार्ड गया था विश्वनाथन आनंद विश्व आनंद नाथ आनंद कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं बताइए और इसके बाद लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी में हुआ था इन सारे स्पोर्ट्स पर्सन के कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं आप बताओ रोहित शर्मा तो सभी को पता है दिस इज मरियपन थंगा वेलू दिस इज मनिका बत्रा दिस इज विनेश फोगाट और दिस इज रानी रामपाल ये मोस्ट रिसेंट विनर है खेल रत्न अवार्ड के अभी तक ऐसे पैतालीस आ चुके हैं तो सब याद नहीं होते बट हमें ये पांच नाम याद रखने हैं और विश्वनाथन आनंद फर्स्ट है तो आप इन सबके स्पोर्ट्स बताओ किस स्पोर्ट्स में इन्हें अवार्ड मिला और तो ये टॉप मोस्ट है इसके नीचे आता है अर्जुन अवार्ड अर्जुन अवार्ड तो ये जो अवार्ड है वो अब मिलेगा खेल रत्न नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद जी मेजर ध्यानचंद जी थे ये इंडिया की फील्ड हॉकी खेलते थे जैसे कनेडा में आइस हॉकी होता है ना तो हमारे यहां ये फील्ड हॉकी है दिस इज फील्ड हॉकी फील्ड हॉकी प्लेयर वाइडली रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द स्पोर्ट ही वॉज नोन फॉर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्स स्कोरिंग फीट्स और तीन ओलंपिक गोल्ड मेडल्स 1928, 1932, 1936 डोमिनेट किया है इन्होंने आपको पद्म भूषण भी मिला है ट्वेंटी ऑफ अगस्त 1905 में आपका जन्म हुआ था प्रयागराज में तो ये है ध्यानचंद जी आपको विजार्ड भी बोला जाता है हॉकी का विजार्ड अब ये जो डेट है ना उनतीस अगस्त इस डेट का एक और सिग्निफिकेंस है ध्यानचंद जी बिकॉज तीन टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट थे तो हम ऑनर करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को अगस्त 29 हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स भी ट्वेंटी तो यह बात है कि अब खेल रत्न होगा विजार्ड ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद के नाम से ओके अब इसमें हम एक सवाल तैयार करते हैं एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवाइविंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल जैसे अभी आप हॉकी की हमारी टीम देखो जो प्लेयर्स है ना बहुत हम्बल बैकग्राउंड है और बहुत साधारण तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत अपनी लगन इससे उन्होंने अपना यहाँ पे जगह बनाई नेशनल टीम पे और फिर इतना अच्छा परफॉर्म भी किया तो एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवाइविंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल तो यहाँ दो शब्दों पे ध्यान देना है पहला तो रिवाइव करना है स्पोर्ट्स कल्चर को ये पहला की है दूसरा की है ग्रास रूट लेवल पे जैसे एक टाइम था क्रिकेट मतलब मुंबई चेन्नई दिल्ली बड़े बड़े शहरों से आते थे फिर जब से जैसे धोनी आया तो छोटे छोटे शहरों से भी दिस टीयर टू टीयर थ्री सिटीज से भी स्पोर्ट्स पर्सन आने लग गए और आज की डेट में जैसे आप ओलंपियंस जो हैं हमारे उनका नाम देखो ना तो बड़ी हम्बल बैकग्राउंड है वो छोटे छोटे टीयर टू इवन गांव से हैं वो तो हमें ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है तो ये पहला पार्ट हुआ दूसरा थ्रो लाइट ऑन खेलो इंडिया प्रोग्राम ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो एक नेशनल योजना स्कीम है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया तो इसमें दो पार्ट है पहले पार्ट में आप रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स बताओ ग्रास रूट लेवल पे क्यों जरूरी है दूसरा आप बताओ कि खेलो इंडिया प्रोग्राम इसमें कितना कैसे इफेक्टिव है ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे मीन वेल दिल्ली गवर्नमेंट बैट्स फॉर री ओपनिंग ऑफ स्कूल इसको आगे देखते हैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक है तो ये तो हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू राइट right, ये एक इेगुलरिटी आई है पी फंड से इलीगली पैसा विद्रॉ हुआ आगे हम जब डिजिटल इंडिया का सवाल देखेंगे ना उसमें ये भी एक चीज ऐड करनी है कि साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए लोगों का बिलीफ हो ट्रस्ट हो बिकॉज पी एफ फंड में तो जिंदगी भर का पैसा है उसका अगर ये ऐसे इल्लिगली विद्रॉ हो रहा है तो दिस इज अ कॉज ऑफ सीरियस वरी ओके सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू अब ये नेक्स्ट है प्रोब रिपोर्ट है कोजिकोदे में लास्ट ईयर ऐसे एयर क्रैश हुआ था ऑगस्ट सेवेंथ को उसकी ये रिपोर्ट आ रही है बिजनेस लाइंस कॉर्पोरेट क्विज इज बैक अभी पंद्रह अगस्त आ रहे हैं ना तो काफी अच्छे अच्छे क्विज और कंपटीशन आ रहे हैं मैं भी ट्विटर पे देख रहा था आज शाम तक मैं उसको शेयर करता हूँ पार्टिसिपेट करिए बड़े अच्छे क्विजेज होते हैं सो दिस इज गुड अगर एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा तो दिस इज गुड आप इसको बता सकते हो कि मैंने नेशनल लेवल एम ओ यूफीसी का ये कॉम्पिटिशन जीता है वहां पे ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन जीता है लाइक दैट ओके देन दिस इज अबाउट आई आई टी प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र ये फर्स्ट न्यूज है रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड अब कल हमने देखा था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ओके अब आज इसका एडिटोरियल टेक देखते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने का ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी है एक हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना तो इससे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं जब मैंने पहला वीडियो बनाया था ना सबसे पहले कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए केवल एक ही वीडियो बनाया था आई एक्सप्लेन कि क्यों इट इज़ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि न्यूज़पेपर से एक तो कंसिस्टेंसी आती है एक डिसिप्लिन आता है पढ़ाई में दूसरा न्यूज़पेपर से आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बेटर होती है ये आपको कहाँ नजर आएगा जब आप सी सेट का पेपर टू लिखोगे तो वहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे उस पैराग्राफ पढ़ के आपको सवाल जवाब देना है स्टूडेंट्स क्यों सफ़र करते हैं स्टूडेंट्स मैथ्स में सफ़र नहीं करते स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स में सफ़र करते हैं इसीलिए हम इतना एम्फेसाइज करते हैं कॉम्प्रीहेंशन इज़ ज़रूरी एन भी बोल बोल के पढ़ो बिकॉज पढ़ना है पढ़ना आना चाहिए क्या लिखा है थर्ड न्यूज़पेपर से ये होता है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है आपकी लैंग्वेज रिफाइन होगी, ये जो शब्द होते हैं ना ये सब फॉर्मल लैंग्वेज होती है फॉर्मल लैंग्वेज इसको आप एक्चुअली में एग्जाम में बोल सकते हो लिख सकते हो तो न्यूज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ओके okay? तो रिवाइन टू फास्ट फॉरवर्ड कल हमने न्यूज ब्रेक किया कि रेट्रोस्पेक्टिव टेक्सेशन हट गया है अब उस पर एडिटोरियल टेक है और ये एडिटोरियल भी ना बड़े बड़े अच्छे लोग लिखते हैं एडिटोरियल वेल क्वालिफाइड पीपल लिखते हैं न्यूज़पेपर ग्रुप के द हिंदू भी और इंडियन एक्सप्रेस भी तो यहाँ की जो थॉट प्रोसेस होती है ना वो बड़ी रिफाइंड होती है तो दैट इज वाई इट इज़ गुड विथ वी फॉलो द एडिटोरियल्स तो कल हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन देखा ये नॉट एनी मोर इसको सरकार ने हटा दिया 2012 से आया था इसको हटा दिया इससे क्या होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आएगा दे आर मोस्ट वेलकम इन इंडिया दिस इज द मैसेज नो टू एडोक मेजर्स जरूरी है कि हम फायर फाइटिंग नहीं करें एडॉक मेजर नहीं करें सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ मेजर्स करें क्रेडिबिलिटी बनाए और रूल बेस्ड ऑर्डर करें जैसे अमेजॉन डील में भी क्या है रूल बेस्ड ऑर्डर सो डिले जो था उसने रीसेट किया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को ये सही स्टेप है इसको अपोजिशन ने भी कल पी चिदम्बरम जी का मैं ट्वीट देख रहा था उन्होंने भी इसको काफी प्रेज किया है तो ये सही चीज है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स फर्स्ट स्टेप है टू रिगेनिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वेदर दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल डिदरिंग ब्यूरोक्रेटिक बंगलिंग और इल इन्फॉर्म्ड लीगल एडवाइस सोर पॉइंट जो था पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का रिमेन ऑन द स्टेस जिसको हटाना जरूरी था दिस शुड नाउ लीड टू अ फॉर्मल बरियल ऑफ अ मैटर दैट हैज कॉस्ट इंडिया

कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है पॉलिसी में बोर्ड टू फिक्स इट्स ब्रोकन क्रेडिबिलिटी और इसी से क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है तो लोग अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो दिस इज गुड रिवाइंड टू फास्ट फॉरवर्ड सेकेंड न्यूज है दिस इज अबाउट हॉकी सी स्टूडेंट एग्जाम लिखते हैं कुछ स्टूडेंट पास होते हैं कुछ स्टूडेंट फेल होते हैं तो क्या जो स्टूडेंट फेल हुआ वो फेल होने के लिए एग्जाम लिख रहा है नहीं ना वो तो अपना हंड्रेड परसेंट दे रहा है जीतने के लिए ही खेल रहा है तो सिमिलरली जो प्लेयर्स होते हैं दे ऑल ट्राई टू विन हर प्लेयर यही चाहता है कि वो अपनी कंट्री के लिए मेडल लाए और वो अपना हंड्रेड परसेंट भी देता है समटाइम्स वी विन समटाइम्स वी डोंट विन तो इन सब चीज़ों में जो प्लेयर्स है उनको ऐसा ब्रूटली क्रिटिसाइज करना ट्रोल करना जस्ट बिकॉज वो हार गए ये गलत है हॉकी में हमने बहुत अच्छा खेला है मैन और वुमेन दोनों टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओलंपिक्स में हॉकी अगेन लुकिंग अहेड सी मेडल ही सब कुछ नहीं होता है एफर्ट जो होता है ना वो भी मायने रखता है इफ द मैन रिवाइव्ड एन ओल्ड रोमांस विद हॉकी द विमेन स्टोल अवर हार्ट रिवेटिंग परफॉर्मेंस दे हैव प्लेड सो सो वेल सो दिस इज गुड क्रेडिट जाता है कोच को कोच ने अच्छा काम किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अच्छा काम किया और ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनको स्पॉन्सर किया सपोर्ट किया विच इज़ गुड बिकॉज यू नो अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं तो वी नीड सम मनी तो स्पॉन्सरशिप एंड स्पोर्ट इज गुड विच वॉज रिक्वायर्ड ये एशियन गेम है हमारा विच मेल्डेड मैजिकल रेस्ट स्प्रिंटिंग फीट स्टिक्स एंड अ स्पीडिंग बॉल हैज सीमिंगली रिक्लेम्ड इट्स इंडियन हार्ट नोट डाउन दिस लाइन एंशियंट गेम विच मेल मैजिकल रिस्ट स्प्रिंटिंग फीट स्टिक्स एंड अ स्पीडिंग बॉल हैज सीमिंगली रिक्लेम्ब इट्स इंडियन हार्ट एक्सिलेंट अब ये जो गेन किया है ना इसपे हमें आगे बिल्ड करना चाहिए स्पोर्ट्स में जो आप सवाल तैयार करोगे ना उसमें यहाँ का भी आप रेफरेंस लो अच्छा आंसर लिखने का ट्रिक ये होता है कि उसमें कुछ स्टैटिक पार्ट लिखो स्टैटिक पार्ट को आप लिंक करो अपने सिलेबस से सिलेबस का वीडियो देखिए सिलेबस से अब इस स्टैटिक पार्ट में ना कुछ आपको एक लेयर लगानी होती है करंट अफेयर्स की सो so दैट आपका एक यूनिक आंसर डेवलप हो करंट अफेयर्स दैट मेक्स अ गुड आंसर की सम स्टैटिक पार्ट लिंक्ड विद सिलेबस एंड इट इज कनेक्टेड लेयर ऑफ दिस करंट अफेयर सो इट्स हॉकी इंडिया स्कूल चिल्ड्रन नीड देयर चाइल्डहुड बैक अब ये हम बड़ा गलत कर रहे हैं बच्चों के साथ कि उनका चाइल्डहुड हमने सीख लिया है बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनकी कॉलेज लाइफ वो कभी जी नहीं पाएंगे उनका कॉलेज ही पूरा जूम और स्कांट्री नीड्स टू स्टॉप आस्किंग वेदर स्कूल स्कूल इज असेंशियल सी क्लासरूम जो रेगुलर होते हैं ना ऑफलाइन उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है पीयर लर्निंग मिलती है क्लासरूम में आप जैसे सामने मेरे बैठे हुए हो तो आई कुड डेफिनेटली टीच यू बेटर और आपके साथ बहुत सारे बच्चे भी साथ में ऐसे क्लासरूम में बैठते हैं ना तो पियर लर्निंग भी ज़्यादा होती है समझ ज़्यादा आती है इससे एक सोशल कॉन्टेक्ट डेवलप होता है इक्विटी आती है इकोनॉमिक लेवलर है जैसे कल हमने स्कूल्स पे अपने आंसर्स लिखे कि स्कूल एजुकेशन स्पेशली गवर्नमेंट को बेटर क्यों करना है बिकॉज दैट इज एन इट इज एन इकोनॉमिक लेवलर हर बच्चे में कभी भी बच्चों में कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करना चाहिए चाहे वो किसी भी इकोनॉमिक लेवल का हो एवरी स्टूडेंट एवरी चिल्ड्रन इज सेम इकोनॉमिक लेवल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एनकरेज करें सोशल डिस्टेंसिंग करें उनको समझाना आसान होता है बड़े तो बात मानते नहीं है पगे घड़े हो जाते हैं पर जो यंग डेवलपिंग माइंड है उसको हम बेटर ग्रूम कर सकते हैं हाइजीन करें वैक्सीनेशन करें लॉजिस्टिक्स इसके लिए ज़रूरी होंगे स्कूल लेवल पे जैसे हमारे यहाँ स्कूल छोटे छोटे होते हैं क्लासरूम छोटे हैं वेंटिलेशन नहीं है उसको हम ध्यान दें वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिटर्न टू दैम देअर चाइल्डहुड ये चाइल्डहुड लॉस नहीं होना चाहिए दिस इज इंडियाज स्कूल चिल्ड्रन तो फाइंड वेज सोल्यूशन निकालें और सोल्यूशन यही है कि अगर बड़े लोग वैक्सीनेशन लगा लें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें तो ये कोविड के थ्रेट को हम कम कर सकते हैं दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी साउथ एशियाज इमर्जिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बड़ा अच्छा सवाल है यहाँ सवाल करेंगे हम साउथ एशिया की इमर्जिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगले दस साल में होना था ना कोविड के कारण वो दो साल में हो रहे वाला है कोविड के कारण डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को पुश मिल गया है तो ज़रूरी है हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड है उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा डिजिटल लाइफ शेयर शेप करेगी फ्यूचर प्रॉस्पैरिटी को ये डिजिटल एज है ये एज है रिमोट वर्क का ये एज है डिजिटल एजुकेशन का नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है मतलब हेल्थ में भी डिजिटल है जैसे टेली मेडिसिन यहाँ पर अभी योनिंग है। है और हैव नॉट्स हैं डिजिटल डिवाइड इज अ रियलिटी डिजिटल बिकॉज इन एविटेबल है तो जरूरी है इस गैप को डिवाइड को हम कम करें ई कॉमर्स इज अ फ्यू इज फ्यूचर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक इज फ्यूचर वॉट वी नीड इज वी नीड अ रॉबोट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें पैसे चाहिए होंगे फाइनेंसेस तो उसके लिए सरकार एक अच्छा खासा अलोकेट करे डिजिटल पुश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में जैसे ब्रॉडबैंड योजनाएं हमारी हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा इसके लिए फाइनेंसेस अलोकेट करने पड़ेंगे ईयर मार्क करने पड़ेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्लोबल इंपेरेटिव है एडॉप्शन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जैसे ये टेक्नोलॉजी है ना इस सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए जो नहीं पता है उसको आज ही गूगल करिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है बिग डेटा क्या है दीज आर की टू सक्सेज ये हमने नोट्स में भी पढ़ा है प्रीवियस हैव हाँ अ लुक रिविजन रेगुलेटरी रोड ब्लॉक्स आते हैं जैसे अभी आईटी रूल्स आए थे उसमें चैलेंजेस आ रहे थे तो रेगुलेशन जो है ना उसके रोड ब्लॉक्स को ओवरकम करें साइबर सिक्योरिटी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे पी एफ से अभी इलीगल पैसा निकाल लिया साइबर सिक्योरिटी डिजिटल लिटरेसी इसलिए जरूरी है स्पेशली जो एल्डर्स हैं जैसे पेरेंट्स हैं सिक्सटी सिक्सटी फाइव कई बार वो इतना डिजिटल लिटरेट होते नहीं है उनको पता नहीं है ये फाइन कैसे न्यूएंसेस होते हैं दिस दिस डिजिटल एज में तो डिजिटल लिटरेसी जरूरी और वॉर फुटिंग में करना चाहिए आप भी जैसे आप घर पे यंगस्टर हो आपको डिजिटल वगैरह का सब अच्छे से आता है तो गो टीच अपने जितने भी एल्डर्स हैं आप उनको सिखाओ कि मोबाइल कैसे चलता है इसमें क्या अलर्ट होना चाहिए ओ शेयर नहीं करना चाहिए वेबसाइट पासवर्ड्स वगैरह कैसे सेट करना है वॉर फुटिंग में दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि अब आप बड़ों को सिखाओ डिजिटल लिटरेट करो शेयर्ड डिजिटल विजन होगा तो रोड टू प्रोस्पेरिटी होगी ओके अब आज हम एक बहुत छोटा सा ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं दिस इज हाई एल्डिंग माई विजन फॉर डिजिटल इंडिया अब डिजिटल इंडिया के बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं आपका क्या विजन है डिजिटल इंडिया में अब सोचो विजन में क्या क्या आ सकता है आप सकते हैं आप एजुकेशन रिलेटेड सोच रहे हो आप गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस का पार्ट है उस पर सोच रहे हो आप ई कॉमर्स पे सोच रहे हो डिजिटल में क्या एक सोसाइटी हम डेवलप कर सकते हैं जो वेल well बिहेव्ड है ट्रोल्स की वहाँ पे कोई जगह नहीं है जहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं है ऐसे करके आप सोचो डिजिटल इंडिया ऐसे के लिए भी जब हमने सिलेबस वीडियो देखा था तो आई एव एक्सप्लेन टू यू ऐसे के जो पॉइंटर्स होते हैं ना इस पॉइंटर्स में आप जीएस के सिलेबस को इंक्लूड करो जी वन का सिलेबस क्या है हिस्ट्री हिस्ट्री है देन क्या है उसमें सोशोलॉजी है देन ज्योग्राफी है आप सोचो डिजिटल इंडिया में हिस्ट्री जोग्राफी सोशोलॉजी क्या हो सकती है जीएस टू में गवर्नेंस है इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह है सोचो जी थ्री का सोचो एथिक्स डालो प्रिपेयर राइट अ शॉर्ट ऐसे अभी शुरुआती है तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं but write something write a short essay your vision hai for digital india okay now this is the next one the complex story of rising cases in kerala not at all good अमिट एडजर्नमेंट लोकसभा पासिस टू बिल्स नॉट एट ऑल गुड एडजर्नमेंट हो रहा है लोकसभा काम ही नहीं कर रही है और बिल पास होते जा रहे हैं तो दिस इज अ डिफीट ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खेल रत्न नेम्ड आफ्टर ध्यानचंद जी ये है पैगस पाइवे सब जुडिस मतलब होता है वो कोर्ट के संज्ञान में कोर्ट अभी उस पर सोच रही है विचार कर रही है डिसीजन लेगी तो so जब कोर्ट के पास मैटर होता है तो उसमें कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए देन ईरान इंडिया कैन प्ले अ यूजफुल रोल सी ईरान और इंडिया है ना ईरान जो है ना ये बड़ी एनशियन सिविलाइजेशन है एनशियट सिविलाइजेशन है दिस एंटायर ईरान और एक टाइम पे ईरान वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री हुआ करता था वर्ल्ड का ईरान प्रिंस ऑफ परसिया ये दिस इज परसिया दिस एंटायर ईरान इज़ परसिया बट फिर 1978 के रिवॉल्यूशन के बाद ईरान बैकवर्ड ज़्यादा गया है अभी इंडिया को एज सच यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन है हमारे कोई सीवियर यहाँ पे दिस टेंशन नहीं है ईरान के साथ तो ईरान इज़ अवर फ्रेंडली कंट्री अब एक ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या है क्या है कि ईरान खुद ही की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है एक तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है रिजीम एटसेट्रा रिवोल्यूशन टाइप देन यूएस के साथ पंगे होते हैं तो यूएस यहाँ पे सेंक्शन्स लगा देता है और फिर यूएस के सेंक्शन के कारण हम भी ऑपरेट नहीं कर पाते दूसरा प्रॉब्लम है ईरान की सऊदी के साथ हमेशा लड़ाई होती है तो ईरान और सऊदी का टेंशन चलता रहता है और सऊदी भी हमारा फ्रेंड है तो देट इज़ बाय ये सारे इक्वेशन मिलकर बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इस ईरान के इशू को हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया है चाहबार में हम मुंबई कांदला अब बिकॉज यहाँ पाकिस्तान इज़ हॉस्टाइल तो हम पाकिस्तान को बाईपास कर देते हैं इधर चले जाएंगे चहाबार फिर अफगानिस्तान इज़ अ फ्रेंड हम यहाँ आ जाएंगे और इस तरीके से सेंट्रल एशिया एक्सेस कर लेंगे प्रॉब्लम अब क्या आ गई कि अफगानिस्तान में तालिबान आ रहा है और जो ईरान है अभी यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं ये नए प्रेसिडेंट है राइसी इब्राहिम राइसी तो, तो दैट इज़ बाय हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी इनसे मिलने गए थे तो द पॉइंट इज अगर इन दोनों कंट्रीज में पीस लॉ एंड ऑर्डर होगा तो ये हमें बड़ा बेनिफिट होगा सो वी आर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ दिस पीस लॉ एंड ऑर्डर एंड नॉर्मेलसी इन दिस ईरान एंड अफगानिस्तान हमारे चीफ अभी गए थे इसराइल एफ फिफ्टीन फाइटर में उन्होंने राइड भी किया दिस इज टेकिंग फ्लाइट दिस इज इज़राइल इसराइल इज अगेन अवर फ्रेंड इंडिया के सभी फ्रेंड्स हैं देन इंडिया इंडियन एयरफोर्स चीफ फ्लाइज ऑन इसराइल एफ फिफ्टीन फाइटर फलस्तीन इशू में भी वी हैव दिस क्लोजर टाइज सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट इफ़ इट वॉन्ट्स ट्रिब्यूनल्स क्लोज कल ही हमने पढ़ा अधिकरण अधिकरण थ्री ट्वेंटी थ्री ए थ्री ट्वेंटी थ्री बी इसके अलावा और भी ट्रिब्यूनल्स हैं जैसे एन जी टीज या ट्रिब्यूनल अभी सेंट्रल फिल्म एपेलेटेड ट्रिब्यूनल था तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स में पोस्ट खाली है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे फिल्म सर्टिफिकेट का ट्रिब्यूनल अभी बंद हुआ ऐसे क्या और भी ट्रिब्यूनल बंद होना है कोर्ट ने पूछा है फिफ्टी एट वैक्सीनेशन हुआ देन रेलवे ये इंपॉर्टेंट है ये बात है अबनिंद्रनाथ टैगोर ये जो टैगोर सरने में ना वैसे ही जो बंगाली होते हैं बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं बुद्धिजीवी होते हैं और उसमें भी जो टैगोर है ना इनका पूरा फैमिली ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है अभनिंद्रनाथ टैगोर एक एक्सलेंट पेंटर थे ये नेफ्यू है रबींद्रनाथ टैगोर जी के डेकेड यंगर थे आपने मॉडर्न इंडियन आर्ट में भारत माता पेंटिंग बनाया था जो आइकॉनिक था मतलब कंट्री को इन्होंने ह्यूमन फॉर्म में दिखाया दिस इज भारत माता पेंटिंग बहुत फेमस है ये इसके अलावा अरेबियन नाइट्स पेंट किया प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है अरेबियन नाइट्स भारत माता पेंटिंग किसने पेंट किया है दी आंसर इज अभिंद्र टैगोर जी अपने स्वदेशी थीम पे फोकस किया इंडियन नेफ्यू थे और भारत माता पेंटिंग तो स्वदेशी थीम के लिए और आपके टाइमलेस वर्क के लिए आपको जाना जाता है तो अभी 150 फिफ्टी ईयर्स हो रहे हैं तो ये यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है अबनिंद्र नाथ एट 150 फिफ्टी विचित्र रिविजिटेड ओके विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में होगा कोलकाता में देन दिस इज शोकेस अभी वर्ल्ड एलिफेंट डे आ रहा है वर्ल्ड एलिफेंट डे एलिफेंट दिस इज टॉकिंग पॉइंट और दिस इज ब्रेकिंग ट्रेडिशन दिस ओणम और प्रोड्यूसर है दिस इज शेयरिंग द सर्कल तालिबान ने कैप्चर कर लिया है फर्स्ट प्रोविंशियल कैपिटल को दिस इज़ नॉट राइट यहाँ पे वॉयलेंस हो रहा है डिसऑर्डर है एंड लॉलेसनेस आ रही है और कंट्री फिर से पुश बैक हो जाएगा दिस मीडिबल लॉज इन दिस पीरियड में गुरुद्वारा का फ्लैग भी इन्होंने रिमूव कर दिया अफगानिस्तान में नॉट एट ऑल गुड नॉट एट ऑल गुड यहाँ एक बुद्धिस्ट की यहाँ पे स्टैचूज भी हुआ करते थे एक टाइम पे तालिबान जब आया था पहले दो हजार में तो इन्होंने उन स्टैचूज को भी डिमोलिश कर दिया था स्टैचूज जो गौतम बुद्धा की थी और बहुत इंपॉर्टेंट उसका सिग्निफिकेंस भी था टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी थी और वहां से अर्निंग भी होती थी रेवेन्यू एवरीथिंग इज गॉन दिस अगेन यहाँ पे दिस एट्रोसिटीज बाइडन गवर्नमेंट नॉन कॉमिटल ऑन सपोर्ट फॉर इंडिया यूएनएससी एन इज वेरी स्मार्ट देन इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव टू कोलेबोरेट ऑन सिक्योरिटी नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट एन एस ए अटेंडेड मीटिंग होस्टेड बाय श्रीलंका इंडिया श्रीलंका मालदीव कोलेबोरेट कर रहे हैं सिक्योरिटी पे यूएस के साथ भी हमें स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए ये जो यूएसए की अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिसीज होती है श्रीडनेस होती है स्मार्टनेस नहीं श्र्यूडनेस इंडिया को पुश करना चाहिए कि इंडिया को यू का स्टेटस मिले परमानेंट मेंबर का स्टेटस मिले टैररिस्ट सेफ हेवन हम अपोज करते हैं डिसमेंटल तुरंत हो इंडिया डिमांड कर रहा है आरबीआई होल्ड्स रेट्स एमपीसी स्प्लिट्स सी स्प्रिट स्टांस सी हर महीने जिस क्वार्टर में होती है मॉनीटरी पॉलिसी कमिटी ये डिसाइड करती है कि हम जो लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी है मार्केट में उसको क्या हम स्टैंड लें अकोमोडेटिव या डोविश का मतलब लिक्विडिटी बढ़ाना हॉकिश है रिस्ट्रिक्टेड है मतलब लिक्विडिटी को कम करना स्पंज की तरह काम करना एब्जॉर्ब करना जो एक्सेस मनी मार्केट में है बिकॉज मार्केट में एक्सेस मनी होता है तो इससे इकोनॉमिक रिकवरी का चांसेस बढ़ता है बट इन्फ्लेशन का भी चांसेस बढ़ता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का मैंडेट होता है इन्फ्लेशन रखे फोर प्लस माइनस टू परसेंट पे तो एक आर बी आई मेम्बर ने अपोज किया कि हम अकोमोडेटिव अब नहीं रखें बिकॉज पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं इनफ्लेशन बहुत ज़्यादा जा रही है फोर प्लस माइनस टू के ऊपर जा रही है तो एक मेंबर ने कहा अकोमोडेटिव अब नहीं रखे अब ये टाइम आ गया है स्क्वीज करने का मनी को स्पंज मनी को स्क्वीज करना फ्रॉम मार्केट बिकॉज इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है बट आर ने फिर भी अभी भी अकोमोडेटिव ही रखा है कि इकोनॉमिक रिकवरी ज़रूरी तो अकोमोडेटिव है मतलब रेपो फोर परसेंट वगैरह कंटिन्यू है इन्फ्लेशन रेड फ्लैग है टेम करना जरूरी है इन्फ्लेशन को अब गवर्नर साहब का क्या स्टेटमेंट है एट दिस जंक्शन मतलब इस पॉइंट पे प्रायोरिटी अभी भी है कि जो ग्रोथ इम्पलसेज है शूट्स दिख रहे हैं ग्रीन शूट्स उसको नर्चर करें ताकि ड्यूरेबल रिकवरी हो इन्फ्लेशन हम बाद में डील करेंगे ये मैसेज है बट इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं कर सकते एम ने बोला इन्फ्लेशन गोरल्ला इन द रूम है इन्फ्लेशन पहले बोला जा रहा था एक ट्रांजिशनरी फिनोमिन है थोड़े टाइम तक इन्फ्लेशन है फिर वो ठीक हो जाएगी बट ऐसा लग नहीं रहा इन्फ्लेशन बनी हुई है तो द पॉइंट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड रेपो रेट फोर परसेंट रखी है रिवर्स रेपो थोड़ी कम होती है थ्री पॉइंट थ्री फाइव और बैंक रेट रखा हुआ है जिसपे आर बी आई लैंड शॉर्ट टर्म फंड टू बैंक सेंस सिक्योरिटी फोर पॉइंट टू फाइव परसेंट से तो ये रेपो है ये रिवर्स रेपो है और ये बैंक रेट है देखिए ये दोनों टेंडम में चलती है बैंक रेट कम हो रही है रिवर्स रेपो रेट है और दिस रेपो रेपो रिवर्स रेपो दोनों ऑलमोस्ट टेंडम पे चलती है ओके तो आरबीआई अभी भी अकोमोडेटिव स्टांस बनाया हुआ है रेट्स को दिस फर्दर बढ़ा नहीं रहा है ओके ये एमपीसी का स्टांस था जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी के ये मेंबर्स थे इन्होंने डिस्कशन किया एक मेंबर ने अपोज किया कि अकोमोडेटिव नहीं रखना है हमें हमें हॉकिश पॉलिसी अपनानी चाहिए बिकॉज इन्फ्लेशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल अब इसमें देखते हैं आगे क्या होता है फिलहाल के लिए तो अभी इजी मनी पॉलिसी बनी रहेगी आई बेटर है डेट रिकवरी मेथड के लिए डिजिटल कैश मॉडल एंड ऑफ ईयर तक आ जाएगा है ना और ये हिंडालको को प्रॉफिट हुआ महिंद्रा एंड महिंद्रा दिस इज यूएस जॉब ग्रोथ भी बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कल मैं यही सोच रहा था ये जो अपना विराट कोहली है ना वैसे तो बड़ा चैंपियन है बट ये बनी है एंडरसन का एंडरसन ने फिर पहली बॉल पे इसको डक पे आउट कर दिया विराट कोहली स्विंग बहुत ज्यादा होती है बॉल यहाँ पे और एंडरसन की स्विंग इज रियली गुड So कोहली खेल नहीं पाता फिर से डक पे आउट हो गया देन इंडिया मेकिंग ये गॉल्फर है फोर्थ रैंक आया अभी इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट हो गया बट अगेन एफर्ट्स एक्सलेंट एफर्ट्स फ्यूचर इज वेरी ब्राइट देन इधर बजरंग भी हार गया और दिस इज रिलीफ एंड जॉय फॉर फिलिप्स बधाई स्पोर्ट्स मैन जो होते हैं ना उनको हमें एनकरेज करना है उनको एनकरेज करना है सो दैट दे केन डू बेटर फैसिलिटेट भी करना है ओके इंडिया चाइना डिसएंगेज एट अनादर फ्रिक्शन पॉइंट ट्रूप्स रिटर्न टू परमानेंट पेसिस आर ने इन्फ्लेशन फोरकास्ट किया ये इंडियन एक्सप्रेस है सी द ड्रीम रन सीक्रेट डॉलप्स ऑफ करेज दिस रिक्वायर्ड एंड देव डन रियली गुड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ देम जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी गुड सी डेवलपमेंट इतने का ग्रोथ आया इन्वेस्टमेंट आया गुड खेल रत्न है इमरजेंसी आर्बिट्रेशन अवार्ड अमेजोन के फेवर में गया अब आगे सी कैंपस दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन हो रहा है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट का ये पिंक लाइन भी स्टार्ट हो रही है द पार्लियामेंट वी डिजर्व द पार्लियामेंट वी डिजर्व जो भी डिफरेंसेज है आप उसको डिबेट करो बात करो अपने पॉइंट करो दिस लॉजिकल बातें करें बजाय दिस हुनिज्म के या फिर सेशन ही चलने नहीं दे रहे इज रॉन्ग बेटर लेट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन पे बात है इट इज अ गुड मूव अगेन पे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आप इन्फ्लेशन को टारगेट क्यों नहीं कर पा रहे जयंत आर वर्मा जी ने बोला जो मेम्बर है एमपीसी के कि इन्फ्लेशन टीमिंग इज रिक्वायर्ड सोशल मीडिया में ये रिमाइंड करता है कि सोशल मीडिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है ओशियंस कीपर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रायोरिटाइज करे मेरी टाइम डोमेन फॉर सिक्योरिटी इन इक्विटेबल ग्रोथ एस्पेशली दिस इंडियन ओशन टाइम टू अनलॉक द स्कूल कंसेंसस बन रहा है स्कूल्स खोलना जरूरी है देन दिस इज नॉर्मलाइजेशन आर बी आई एक्सेस लिक्विडिटी पोस्ट आई पी ओ मिनिमम लॉक इन पीरियड प्रमोटर हाफ कर दिया है रेट स्टडी है सेवेंथ टाइम पे रेट्स ज्यादा चेंज नहीं हुए फोर थ्री पॉइंट थ्री फाइव एंड फोर पॉइंट टू फाइव बना हुआ है पैंडमिक के कारण एप्पल का स्टोर डिले हो गया लोकल स्टार्टअप बोल रहे हैं उनको भी हेल्प की ज़रूरत है ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्टेक्स में फॉर दिस इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट ये रिपोर्ट है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये जो आई बॉडी है ना ये खुद से कोई रिसर्च वगैरह करती नहीं है आई कंपाइलेशन करती है डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स का और आई की रिपोर्ट्स आती है रिपोर्ट्स आती है जैसे पहली रिपोर्ट आई थी 1990 में फिर पचानवे में फिर 2001, 2007, 2014 और अब आ रही है 2021 की रिपोर्ट जो मंडे को रिलीज़ होगी तो ये पुरानी रिपोर्ट्स है आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना दीज आर इम्पोर्टेंट बट अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी ना मंडे को जिसको हम देखेंगे आई की वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स में अब आई क्या है क्लाइमेट चेंज शब्द में ही क्लाइमेट चेंज है तो इसकी जो रिपोर्ट्स होगी ना वो क्लाइमेट चेंज के पैरामीटर से रिलेटेड होगी जैसे कि एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस इम्यूजन क्या हो रहा है या फिर ग्लोबल टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है ओके क्यों प्रोटोकॉल से रिलेटेड हो जाएगा बिकॉज दिस इज अबाउट सी का रिडक्शन देन इसमें हमें कैसे बैटल करना है तो इसको दो में नोबल पीस प्राइज भी मिला था आई को द पॉइंट इज आई पी सी सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिनेवा बेस्ड है इस बार की जो रिपोर्ट है होगी उसमें रीजनल फोकस ज़्यादा होगा शहरों पे ध्यान दिया जाएगा सिनर्जी मतलब कोलैबोरेशन पे ध्यान होगा और जो एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रही हैं जैसे अभी कनाडा में टेम्परेचर बढ़ गया था या फिर फायर्स हैं कैलिफोर्निया की फायर्स हैं अभी ग्रीस में फायर्स हो गई थी टर्की में फायर्स हैं इन एक्सट्रीम इवेंट्स को हम कैसे चेक करें ये फोकस होगा रिपोर्ट आएगी दिस मंडे मंडे को दिस आई की सिक्सथ असेसमेंट रिपोर्ट आएगी ओके This sixth, one, two, three, four, ये थी और अब सिक्स रिपोर्ट आएगी दो हजार इक्कीस की दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ओके बार आप क्विकली देख लेना दिस प्रीवियस आई पी सी सी असमेंट रिपोर्ट मोरलेस वही चीज है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कैसे बैटल करें अरेबियन सी साइक्लॉन मोर फ्रिक्वेंट इन रिसेंट ईयर तो ये क्या हो गया एक्सट्रीम इवेंट्स और ये भी इंक्लूड होगी आई पी सी सी की रिपोर्ट में फ्यूचर रिटेलर अमेजोन ध्यानचंद जी लेबनॉन हैजेबोला लड़ रहे हैं चाइना नेवल एक्सरसाइज और ग्रास रूट कैसीो अभी इसमें देन दिस इज बर्डी और ये है गोल्ड सिल्वर नहीं है बट अभी भी ब्रॉन्ज का कंटेंशन है यहाँ पे तो ये तो था द इंडियन एक्सप्रेस ये ई रूपी है कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा प्री ई वाउचर है ये मतलब सोडेक्सो कार्ड की तरह है इसमें इतने पैसे दले हुए हैं दुकान पे जाओ इस ई रूपी कार्ड को दो वो आपको सर्विस दे देगा तो दिस इज ई रूपी वाउचर और ये जो वाउचर होगा ना वो एक्सक्लूसिवली उस बेनिफिशियरी के लिए ही दिस क्यूआर कोड और वगैरह टैग्ड होगा तो उसका मिस यूज भी नहीं होगा तो ई रूपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है लाभार्थी को उसके फोन पर एस या क्यू कोड के रूप में मिलता है ये प्रीपेड वाउचर है आप किसी भी केंद्र पे जाओ जो उसे स्वीकार करता है और वहां जाके आप उधर से सर्विस लो और ई रुपी से वाउचर से पेमेंट कर दो तो दिस इज ई रुपी वाउचर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को मजबूत करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेनिफिट को मजबूत करने के लिए अधिक पारदर्शी बनाने में ट्रांसपेरेंट ई रूपी इंपॉर्टेंट है वाउचर का भौतिक रूप से जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है सीधा डिजिटल फॉर्मेट में कोड आ जाएगा तो इससे क्या होगा लागत भी बच जाएगी कि प्रिंट करो पेपर फिर डिस्ट्रीब्यूट करो दिस ऑल मेहनत हम बचा लेंगे उपयोग कहाँ पे होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसे बैक कर रहा है तो सोलह सौ सो से अधिक अस्पतालों के साथ यहाँ पे इलिजिबल होगा आप पेमेंट कर सकते हो इसके थ्रू आप वहाँ पे इसका भुगतान कर सकते हो ई रूपी है इसके अलावा ये शुरुआत है इसको और ब्रॉडन किया जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग भी बिजनेस टू बिजनेस लेन देन के लिए ई रूपी वाउचर को यूज कर सकते हैं तो दिस इज काइंड ऑफ गवर्नमेंट तो इज ई यू पी आई एंड दिस प्रीपेड ई वाउचर। सी सेट है। जब भी ऐसा सवाल आता है तो जो वर्क है ना वर्क को आप फाइंड करते हो जैसे वर्क पहले केस में दो मैन है, है ना और चौदह दिन तक काम किया तो मैन ने कितना काम किया टू इन फोर्टीन है, 7 14. तो ये पहला है. दूसरे में, तीन मैन में है, है, तो है दोनों वर्क तो कॉन्स्टेंट है तो डब्ल्यूलू टू तो हमें पता चल जाएगा वन मैन इज इक्वल टू टू बॉयज अब फर्स्ट केस में टू एम प्लस सेवन बी जो था है ना? और इलेवन बी हो गया टू और दिस सेवन बॉयज हैं तो सेवन बॉयज हैं टू मैन और सेवन बॉयज तो वन मैन इज इक्वल टू टू बॉयज तो वर्क वन कितने लोगों ने किया इलेवन बॉयज ने मैन के वर्क को हमने बॉयज में कन्वर्ट कर दिया तो इलेवन बॉयज फोर्टीन डे में कर रहे हैं तो डब्ल्यू वन जो होगा मतलब एट एम सिक्स बी ट्वेंटी टू बी सेवन डेज में होगा है ना बाईस बॉयज जो हैं वो सात दिन में काम कर रहे हैं है ना बाईस बॉयज सात दिन में काम कर रहे हैं तो डब्ल्यू वन सेवन तो अगर तीन गुना वर्क होगा तो उसके लिए हो जाएगा इक्कीस दिन ओके okay? तो पहले हमने मैन और बॉयज का रिलेशन फाइंड किया कि वन मैन का वर्क इज इक्वल टू टू टाइम्स बॉय इसको पहली इक्वेशन में पुट किया तो हमें ये कंडीशन मिल गई फिर हमने जो दूसरी कंडीशन दिया था एट मैन और सिक्स का उन्होंने सात दिन में काम किया तो इससे हमने रिजल्ट निकाल लिया कि जो वर्क है दैट इज सेवन डी में तो थ्री टाइम्स डब्लू वन हो जाएगा ट्वेंटी वन डी में ये बड़ा आसान है ए एन एन प्लस वन बाय टू इसको हम लिख सकते हैं एक से लेके सौ तक एपी फिर इक्यावन एक से लेके पचास तक ए पी तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो बचेगा फिफ्टी वन से हंड्रेड तक का है ना तो पहला ए पी हमने बना दिया वन से लेके हंड्रेड तक सारे नंबर का सम दूसरा बनाया वन से फिफ्टी का वन से हंड्रेड से वन से फिफ्टी सबस्ट्रैक्ट किया तो जो बचेगा वो बचेगा फिफ्टी वन टू हंड्रेड और जो हमें पता लगाना है तो एन एन प्लस वन बाय टू फॉर्मूला होता है पहले इसमें पुट करो पहले इसमें पुट करो यू विल गेट आंसर नंबर अगर वाई है तो हमने टू नाइन्टी सिक्स क्यू प्लस सेवनटी फाइव रिमाइंडर दिया है यहां हम ट्राई करते हैं सैतीस को ढूंढने का तो सैतीस इंटू आठ क्यू सैतीस इंटू दो प्लस वन तो ये हो गया सैतीस एट क्यू प्लस टू अब एक बार हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया ना प्लस वन अलग से बच रहा है मतलब ये क्यू की कोई भी वैल्यू हो वो थर्टी सेवन से डिविजिबल होगी और जो वन है वो बाद में बचेगा तो वन इज द रिमाइंडर तो आंसर इज वन स्टूडेंट वॉज वॉस टू फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर दिस 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 एंड एक्स एक एक्स पता नहीं है ही फाउंड द मीन टू बी ट्वेल्व सो वॉट शुड बी द नंबर इन द प्लेस ऑफ एक्स यहाँ क्या नंबर डालें कि इसका अर्थमेटिक मीन बारह आ जाए ईजी एवरेज ऑफ फाइव नंबर ट्वेंटी है तो आपको बताना है वो एक्सक्लूडेड नंबर क्या है विदाउट एनी स्टॉपेज असन ट्रेवल्स अ सर्टन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ फोर्टी टू किलोमीटर पर आर स्टॉपेज में ही कवर्स द सेम डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ ट्वेंटी एट किलोमीटर पर आर बिकॉज टाइम बढ़ जाएगा तो एवरेज कम हो जाएगा हाउ मेनी मिनट्स पर आर डज ही स्टॉप अब आपको बताना है कितना उसने स्टॉप किया कितने मिनट उसने स्टॉप किया ओके सो दिज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे ये सी सेट है दिस इज ई रूपी दिज आर वाउचर्स आई पी सी सी की पहली पांच रिपोर्ट है और अब छठवीं रिपोर्ट आएगी मंडे को देन दिस इज मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी दिस इज अबनेंद्र नाथ टैगोर जी इंडिया एंड ईरान आप बताओ माई विजन फॉर डिजिटल इंडिया शॉर्ट ऐसे बट कोई वर्ड लिमिट नहीं है जितना आप सोच सकते हो लिख सकते हो लिखो My vision for digital India. Then, this is about sports revival. So, this is the uh, 7th of August 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe. <music>